हमने प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं सर हिंदी में। और हमने देखा था कि प्रियम्बल जो है हमारा वो चार हिस्सों में बटा हुआ है, वो चार पार्ट में हम लोग उसको बांट सकते हैं सर अपने अध्ययन के लिए। हम लोग चार पार्ट में कह सकते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो चार हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा जो कि ये है, जिसका मैंने आपको कल बताया था कि ये बताता है कि सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आया, मतलब वो आप अपना संविधान लिख रहे हो वो सोर्स ऑफ पावर कहाँ से मिल रहा है आपको, वो बताता है सर। नेक्स्ट सर, ये जो हिस्सा है ये बताता है भारत का नेचर कैसा है, भारत की जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट, ये सेकंड पार्ट सर। थर्ड पार्ट है ये जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, कि स्टेट हमें देना क्या चाहता है, हमारा कंट्री कोशिश क्या कर रहा है, किस चीज को देने का कोशिश कर रहा है, तो इन सब चीजों को देने का कोशिश कर रहा है सर, ये ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट था सर डेट ऑफ एडॉप्शन, किस दिन को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, तो सर ये डेट। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो टोटल चार चार हिस्सों में बटा हुआ है सर, चार हिस्सों में। पहला वाला हिस्सा का डिस्कशन हमने कल कर लिया था कि यह था सर पहला हिस्सा जो हमें बताता है व्हाट इज द सोर्स, किसने आपको पावर दिया कि आप अपना संविधान खुद लिख सकते हो। तो हमने खुद को पावर दिया सर, कोई फॉरेन कंट्री या फिर कोई फॉरेन अथॉरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन ने हमें पावर नहीं दिया, हमने खुद को पावर दिया कि हम अपना संविधान लिखेंगे। नेक्स्ट सर, दूसरा नंबर ये बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, भारत के जो स्टेट है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो बताता है सर कि भारत सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है, इसमें कल मैंने आपको बताया था कि सोवेरनिटी या फिर संप्रभुत्व इसका मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नहीं बताया था सर, डेमोक्रेटिक बताया था, ये दो चीज मैंने नहीं बताई थी, डेमोक्रेट सोवेरियन बताई थी, डेमोक्रेटिक बताई थी, डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी इसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से हमने कल अध्ययन करने का कोशिश किया था। ठीक है, इसके बाद अभी तीन वर्ड्स इसमें है, उनमें वर्ड्स को समझाऊंगा। नेक्स्ट सर, ये है तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग, तीसरा भाग में जहाँ पे आपको पता करना है, आपको आपको बताया गया है कि सर भारत का जो नेचर है, भारत का जो स्टेट है इसका नेचर क्या है। ठीक है, इसका नेचर क्या, नेचर के बारे में बात करता है। और लास्ट जो है वो बोलता है व्हाट इज द डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें सबको पता है सर 26 नवंबर 1949। ठीक है सर, तो अब हम लोग सेकेंड हिस्सा जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के डिस्कशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आपको कल का क्लास याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि सर जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था वो ऐसा नहीं दिखता था, हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल कुछ ऐसा दिखता था, हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल कुछ ऐसा दिखता था सर, दो वर्ड्स इसमें नहीं थे, ये जो दो वर्ड्स हैं इनको बाद में ऐड किया गया है हमारे संविधान में, इनको बाद में ऐड किया गया है हमारे संविधान में। पहले हमारा संविधान में सिर्फ, हमारे प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ सोवेरनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीन ही वर्ड यूज किया गया था सर। हिंदी में अगर कह लो तो संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये तीन ही वर्ड था सर, सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट सर, पंथ निरपेक्ष और सोशलिस्ट को, समाजवादी को बाद में ऐड किया गया, किस संशोधन से ऐड किया गया था कोई बताएगा मुझे, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। ठीक है सर, तो ये कल चीजें हमने डिस्कशन किया था सर, सोवेरनिटी का मतलब समझा दिया था, डेमोक्रेटिक का मतलब समझा दिया था, अब हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सुना ध्यान से सर, हिंदी में इसको गणतंत्र बोलते हैं, गणतंत्र। तो बेसिकली रिपब्लिक जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बीच में बहुत डिबेट हुआ था। डॉक्टर हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके बीच में और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है सर, जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ ऐसा लगता था कि रिपब्लिक वर्ड क्यों ऐड करना है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने हमने डेमोक्रेटिक वर्ड यूज कर लिया ना, तो रिपब्लिक ऐड करो ना करो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें ये समझाया, उन्हें समझाने की कोशिश किया कि देखो रिपब्लिक वर्ड का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, आपको भी ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं लगता होगा कि यार हमने लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कंट्री ये तो लिख लिया, फिर रिपब्लिक वर्ड लिखने का क्या जरूरत है। आप लोग को आज तक रिपब्लिक वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया होगा सर कि रिपब्लिक वर्ड ऐड करना क्यों है, क्यों करना है ऐड, डेमोक्रेटिक लिख लिया बात खत्म। क्या आप लोग को पता है कि
रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे रिपब्लिक का मतलब क्या समझते हैं आप लोग रिपब्लिक का मतलब? सर एक बहुत टाइप का कंफ्यूजन है आपके माइंड में, एक बहुत ही अजीब टाइप का कंफ्यूजन होगा लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में, कि लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्यों लोकतंत्र जब लिख दिया हमने कि लोकतंत्र है सर पावर जो है इट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल के पास पावर है लोकतंत्र ये कहता है, तो फिर गणतंत्र रिपब्लिक लिखने का जरूरत क्या था? तो सुनो, सुनना ध्यान से सर, यहाँ पे जो रिपब्लिक लिखा हुआ है ना, ये दो चीज को डिफाइन करता है, दो डेफिनेशन है सर यहाँ के, यहाँ पे जो रिपब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गणराज या फिर गणतंत्र, इसका दो डेफिनेशन है सर। सबसे पहला डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि रिपब्लिक जो है इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, रिपब्लिक जो है इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन इलेक्टेड पर्सन। क्या कह दिए सर? सर गणतंत्र का मतलब ये होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य का प्रमुख है सर, देश का प्रमुख है, वो एक चयनित, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, उसको उसको हम लोग इलेक्ट करके वहां पे बैठाएंगे, वो किसी भी फैमिली का नहीं होगा सर, यहाँ पे कोई फैमिली का नहीं होगा, किसी राजघराने का ऐसा नहीं होगा कि वही राजघराने का चलता आ रहा है। मतलब हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं सर? प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट जो है सर वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, वो किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी फैमिली का हेरिडेटरी नहीं होगा। मतलब सर वैसा देश जहां का हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड बंदा हो, जिसको लोगों ने चुना हुआ हो, चुन के लाया हो, चुन के लाया गया बंदे को हम लोग हेड ऑफ द स्टेट बना रहे हैं, उस देश को हम लोग रिपब्लिक देश बोलते हैं। और वैसा देश जहां पे हेड ऑफ द स्टेट का जो पोजीशन हो वो हेरिडेटरी हो, हेरिडेटरी का मतलब होता है वंश, हेरिडेटरी मतलब मेरा वंशज का ही हो, एक ही वंशज का हो, ठीक है? वहां वैसे देश को हम लोग बोलते हैं मोनार्क, 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 वैसे देश को हम लोग बोलते हैं मोनार्क। फॉर एग्जाम्पल यूके, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, जो भी कह लो सर, क्या ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? जी हाँ है, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, लोकतंत्र है ब्रिटेन में, यूके में ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है? नो सर, यूके रिपब्लिक नहीं है, यूके जो है वो मोनार्क है, मोनार्क, मोनार्क का मतलब वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा सर वो हेरिडेटरी पोजिशन है, वहां पे राजा रानी का अपना ही, वो लोग का रानी का ही अपना चलते रहता है, प्रिंस चार्ल्स तो ये तो वो, एलिजाबेथ ये वो, वही वही उस जगह का वही होंगे सर हेड ऑफ द स्टेट, जो उनके फैमिली से बिलोंग करेंगे, उनके हेड ऑफ द स्टेट के लिए कभी कोई इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए सर यूके को या फिर ब्रिटेन को हम लोग डेमोक्रेटिक मोनार्क कहते हैं, डेमोक्रेटिक मोनार्क कहते हैं, ठीक है? डेमोक्रेटिक मोनार्क कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया कि यूके को डेमोक्रेटिक मोनार्क क्यों कहते हैं, और हम लोग भारत को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कह दिए, इसका मतलब क्या, क्या ये क्या क्या कहना चाह रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सर भारत डेमोक्रेटिक तो है ही, और साथ साथ यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको इलेक्ट करके लाया गया होगा, उसको इलेक्ट करके लाया गया होगा कॉमन पीपल्स के बीच में से, हेड ऑफ द स्टेट एक हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगा एक रिपब्लिक कंट्री में। क्या ये बात मैं समझा पाया आप लोगों को? क्या अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सर एक देश का सिर्फ डेमोक्रेटिक होना जरूरी नहीं है, वो रिपब्लिक है कि मोनार्क है ये भी समझना जरूरी है। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या बात आपको ये बात समझ में आया कि यूके का जो सिस्टम है, यूके का जो सिस्टम है जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक मोनार्क बोलते हैं उसमें, और भारत का जो सिस्टम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसमें क्या डिफरेंस है? क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर यूके और इंडिया इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, कोई बताएगा मुझे इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सर इन दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है,
दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों दोनों जगह पर लोकतंत्र है। अगर आपको याद आ रहा हो सर, पीएम है सर ऋषि सुनक, इलेक्शन हुआ था पीएम चुने गए थे सर, वहां पे भी जो पावर है वो वेस्टेड है इन दी हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल। दोनों जगह सर आपका, दोनों जगह आपका यही है क्या कहते हैं, दोनों जगह आपका डेमोक्रेटिक है, दोनों जगह डेमोक्रेसी है, दोनों जगह लोकतंत्र है। लेकिन डिफरेंस क्या है सर, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो मेजर डिफरेंस कुछ ये है कि यूके जो है वो एक मोनार्क कंट्री है, मोनार्क, और इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? गणतंत्र है, भारत में गणतंत्र है, इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। यहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है ये पोजीशन हेरिडिट्री नहीं है, हेरिडिट्री नहीं है, ठीक है। गणतंत्र या फिर रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट का पोजीशन है सर वो हेरिडिट्री नहीं होगा, किसी वंश का नहीं होगा, एकदम वंशावली नहीं चलता आ रहा है कि वही उसी वंश का बंदा हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा भाई साहब, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, वो हेरिडिटरी पोजिशन होगा, हेरिडिटरी, ठीक है। आपको क्या ये बात समझ में आया कि यूके को अगर मैं बोल दूं कि यूके जो है वो एक डेमोक्रेटिक मोनार्क है और भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, समझ में आया? क्या ये कथन समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, बढ़ू मैं आगे, आगे बढ़ू मैं, चलो। रिपब्लिक क्या बात समझ में आया सर? ये एक डेफिनेशन हुआ रिपब्लिक का, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन हुआ सर रिपब्लिक का, ठीक है। ये एक डेफिनेशन मैंने बोला ना, ये एक डेफिनेशन हुआ, ठीक है। तो क्या आपको अभी तक क्या लग रहा है कि भारत का प्रियम्बल में रिपब्लिक लिखना जरूरी था कि ऑप्शनल था? ऑप्शनल मतलब समझते हैं कि उसको लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, अभी तक क्या लग रहा है आप लोग को? आप लोग किसके पक्ष में है, नेहरू साहब के पक्ष में है कि भीमराव अंबेडकर साहब के पक्ष में है? नेहरू साहब बोल रहे थे कि नहीं ऑप्शनल है, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, क्या लग रहा है आप लोग को? सर आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा तो एक एक ब्लड आइडिया से थोड़ा बाहर आए होंगे आप लोग कि हाँ ये जरूरी था सर हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ऐड करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेटिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, एक गणतंत्र गणराज्य होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। चलो सर, ये तो ये हो गया एक डेफिनेशन रिपब्लिक का। नाउ व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन, और इससे भी बड़ा डेफिनेशन, इससे भी बड़ा डेफिनेशन, परिभाषा क्या है रिपब्लिक होने का, रिपब्लिक या फिर गणतंत्र होने का इससे भी बड़ा क्या परिभाषा है, वो कुछ ऐसा है, किसी भी कंट्री में अगर रिपब्लिक वर्ड ऐड हो जाए इसका मतलब होता है कि उस कंट्री में जो सबसे सुपीरियर है, उस कंट्री में सबसे सुप्रीम जो है या फिर सबसे सुपीरियर जो है, मतलब सबसे एकदम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अगर पूछा जाए उस कंट्री में कोई है तो वो कौन है, वो उस देश का संविधान है, उस देश का संविधान है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में सबसे सुपीरियर कौन है, सबसे सुप्रीम कौन है, तो आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, आप किसी विशेष पद का नाम नहीं लेंगे कि पीएम है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो ये है हाई कोर्ट का जज है सर, सीजेआई है, एडवोकेट जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, कोई नहीं है सर। रिपब्लिक होने का मतलब द हेड ऑफ द हेड और द सुप्रीम अबव ऑल इज द संविधान, संविधान इज द सुप्रीम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है सर, वो सुपीरियर है, सबसे ऊपर कौन है, हमारा संविधान है।
तो ये एक और डेफिनेशन है सर रिपब्लिक का, कि अगर कोई कंट्री रिपब्लिक है दैट मीन्स व्हाट, द हेड इज सबसे ऊपर है संविधान, सबसे ऊपर है संविधान का पावर, सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है तो संविधान के पास है, किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, किसी किसी पद के पास नहीं है, प्रेसिडेंट बोल लो, पीएम बोल लो, होम मिनिस्टर बोल लो, किसी के पास कोई पावर नहीं है, सबसे ऊंचा कौन है, संविधान है, सबसे ऊपर कौन है, संविधान है, ठीक है। और सर पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं, मतलब सर सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, मतलब क्या है, लॉ है, कानून है, सबसे ऊपर क्या है, कानून है, लॉ है, ठीक है। और लॉ भी कैसे आता है, देखो लॉ जो है हमारा जो कानून है वो कैसे बनाया गया, सर संविधान को अपने माइंड में रख के बनाया गया, संविधान को संविधान के दायरे में कानून बनाया गया। सर हमारे देश में अगर कोई भी चीज हो रहा है सर, एक 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 रोड भी बन रहा है ना, एक एक कोई भी बिल पास हो रहा है ना, वो संविधान के दायरे के अंदर पास हो रहा होगा, संविधान के दायरे के बाहर पास नहीं हो रहा है। मतलब सर सुप्रीम लॉ अगर पूछा जाए, अगर आप लोग कभी चिंतन करो कि हमारे देश में सबसे सुप्रीम कानून कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ कानून, सबसे श्रेष्ठ कानून कौन सा है, हमारा संविधान है। और हमारे संविधान को दिमाग में रख के ही हम लोग कोई लॉ को कोई दूसरा कानून फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब बस इतना ही होता है सर कि सुप्रीम कौन है, सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर कौन है, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स वॉट, पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं लेक्स रेक्स, इस चीज को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं लेक्स रेक्स, लेक्स रेक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स रेक्स, सुनना ध्यान से सर। लेक्स रेक्स जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, अगर आप देखोगे ये जो लेक्स रेक्स वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, इधर मैं बताता हूँ, लेक्स प्लस रेक्स, लेक्स प्लस रेक्स, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दो वर्ड से बनाया गया, ठीक है सर। लेक्स मतलब होता है लॉ, लेक्स मतलब होता है लॉ, और रेक्स मतलब होता है किंग, लेक्स मतलब होता है लॉ और रेक्स मतलब होता है किंग। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग ऑफ द किंग, या फिर लॉ इज द किंग ऑफ द किंग कह सकते हैं, मतलब कानून ही राजा है, कानून ही राजा है सर, कानून ही सबसे श्रेष्ठ है, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, जो लॉ है लॉ से बढ़ के कुछ नहीं है, हमारे संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। रिपब्लिक वर्ड इस चीज को सिग्निफाई करता है, इस चीज को बताने का कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान से पहले, हमारे संविधान से पहले या फिर एक ऐसा समाज से पहले, एक ऐसा समाज की बात करूं मैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ कानून का कोई भी चर्चा नहीं था, वैसे समाज को हम लोग बोलते थे कि वहां पे रेक्सलेक्स है, रेक्सलेक्स, रेक्सलेक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्सलेक्स, रेक्स का मतलब हो गया किंग और लेक्स का मतलब हो गया लॉ, रेक्सलेक्स का मतलब होता है किंग इज द लॉ, किंग इज द लॉ। मतलब सर एक ऐसा समाज जहां पे कोई भी संविधान नहीं है, कोई भी कानून नहीं है सर, कानून को एकदम बोला जाता है अरे चलो कानून तो कुछ नहीं है, हटाओ कानून, तोड़, कानून बना ही है तोड़ने के लिए, ठीक है। वैसे समाज को, मतलब सर आज से अगर बहुत साल पहले देखें आप, जब जब हम लोग सिविलाइज होने का कोशिश ही कर रहे थे, उस वक्त कैसा समाज था, उस वक्त का जो समाज था वो रेक्सलेक्स था, रेक्सलेक्स मतलब किंग इज द लॉ, राजा ही कानून है सर, राजा जो बोलेगा वही कानून है, राजा के सामने कोई कानून का कोई औकात नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में अभी ऐसा है? नो सर, हमारे देश में है, हमारे देश में आपको लेक्स रेक्स मिलेगा, लेक्स रेक्स का मतलब लॉ इज द किंग ऑफ द किंग, कानून राजाओं का भी राजा है, कानून जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुपीरियर है। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया, क्या ये बात आपको समझ आया कि दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द रिपब्लिक की, रिपब्लिक दैट मीन्स वॉट सर, रिपब्लिक क्या बोलता है, रिपब्लिक होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे देश में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुपीरियर, सबसे सुप्रीम कौन है, तो हमारा संविधान है। अब आपको समझ में आया सर, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। सर क्यों मनाते हैं, कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था,
हमारा संविधान लागू हुआ था सर, और संविधान का डायरेक्ट रिलेशन है सर गणतंत्र से। क्यों? क्योंकि गणतंत्र होने का मतलब यह होता है कि संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुप्रीम है, सबसे सुपीरियर है। ठीक है सर? जी हाँ, पार्लियामेंट हर चीज को कंट्रोल रखता है, हर अभी मैं एग्जांपल दूंगा, हर चीज को कंट्रोल रखता है सर हमारा संविधान। कैसे बताता हूं मैं कैसे। क्या पहला डेफिनेशन आपको समझ में आया आपको रिपब्लिक का? सर रिपब्लिक होने का पहला डेफिनेशन ये था कि एक रिपब्लिक कंट्री, एक गणतंत्र कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमेशा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पोजीशन जो है वो हेरिडेटरी बिल्कुल नहीं होगा, वो हेरिडेटरी बिल्कुल नहीं होगा, वहां पे हेरिडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट, दूसरा डेफिनेशन ये है कि अगर कोई कंट्री रिपब्लिक है देन मीन्स व्हाट, वहां का जो संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ है। वहां पे कोई रिपब्लिक, कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर कोई भी पद सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, सुपीरियर नहीं होगा सर, उस देश का संविधान सुपीरियर होगा। ठीक है? नेक्स्ट सुनना ध्यान से, हमारे देश में सर डेमोक्रेसी है। अभी भी सर हमें नहीं समझ में आया कि रिपब्लिक होना क्यों जरूरी था, तो सुनना ध्यान से सर, हमारे देश में लोकतंत्र है। जी हाँ है, लोकतंत्र में इलेक्शन होता है। जी हाँ होता है, लोकतंत्र में इलेक्शन होता है। जी हाँ होता है, इलेक्शन होने के बाद एक मेजोरिटी पार्टी जो है वो सरकार बनाती है, मेजोरिटी पार्टी जो है वो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है? हाँ सर, गवर्नमेंट बना लिया, पार्लियामेंट में बैठ गया या फिर विधानसभा में कहीं भी बोल लो आप, बैठ गया। ठीक है? नेक्स्ट सुनना ध्यान से सर, डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो कल मैंने आपको बताई थी कि डेमोक्रेसी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सर, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीजें सही तरीके से नहीं हो रही है देन मींस व्हाट, लोकतंत्र पे खतरा है। ठीक है? ये कल मैंने आपको बताया था, सुनना ध्यान से। फिर से आते हैं हमारे पुराने वाले स्टोरी पे कि सर हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे इलेक्शन होता है और एक पार्टी जीतती है और मेजोरिटी पार्टी वो बनती है और भारत में वही सरकार बनाती है। वो सरकार बना लिया सर, सरकार बना लिया। अब सुनना, सरकार बना के ये एक लॉ पेश करता है, एक लॉ बनाता है, क्योंकि सरकार के पास तो हर पावर है, मेजोरिटी पावर, मेजोरिटी पार्टी के पास तो हर पावर है, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है सर, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो वो सरकार एक लॉ बनाता है, एक कानून बनाता है। क्या कानून बनाता है? कि आज के बाद इलेक्शन कमीशन जैसा कोई बॉडी ही नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जैसा कोई बॉडी ही नहीं होगा, इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दो, खत्म कर दो, एंड कर दो इसको। हैं? क्या बोल रहे हैं आप? जी हाँ, एंड कर दो सर। ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन इस चीज को सुनिश्चित करता है। लेकिन गवर्नमेंट है ना सर, गवर्नमेंट है ना सर, गवर्नमेंट अगर सबसे हीरो है, सबसे ज्यादा एकदम वही सुपीरियर है, वही अगर पार्टी बना, वही अगर मेजोरिटी बना रहा है, वही देश को चला रहा है, तो उसके पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है। जी हाँ, एक वो लॉ बनाता है जिससे वो इलेक्शन कमीशन को रद्द कर देता है, इलेक्शन कमीशन को भंग कर देता है, बोलता है आज के बाद इलेक्शन कमीशन जैसा कोई पार्टी नहीं है, कोई कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। और वो गवर्नमेंट एक और लॉ बनाता है कि सर एक्स वाई जेड पार्टी, जो पार्टी अभी मेजोरिटी में है, यही पार्टी हमेशा इलेक्शन को कंडक्ट करेगी। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया तो क्या डेमोक्रेसी पे खतरा दिख रहा है आपको? अगर ऐसा हो गया तो क्या लोकतंत्र में क्या कोई दूसरा पार्टी का आदमी जीत पाएगा कभी भी? जिस पार्टी का सरकार है, अगर वही पार्टी फ्यूचर में इलेक्शंस करवाने लगे और इलेक्शन कमीशन को एकदम भंग कर दे, तो क्या कभी कोई दूसरा पार्टी बन पाएगा? सर नहीं बन पाएगा। मतलब डायरेक्ट खतरा किसके ऊपर आ रहा है? लोकतंत्र के ऊपर। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए क्या चाहिए सर? सर सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, आपको डेमोक्रेसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिख लिए, इससे क्या होगा पता है आपको सर? गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है, क्या गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना सकती है? नो सर, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना सकती है, वैसा लॉ बना सकती है जो कि संविधान के दायरे के अंदर आए और
सर, सरकार साहब सुनिए, आप ये जो कोशिश कर रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दें, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आप अपने पार्टी को बोल रहे हैं कि आज के बाद वो लोग कंडक्ट करेगा, वो लोग इलेक्शन करवाएगा, सर ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा आप नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुप्रीम कौन है? संविधान है। सुप्रीम कौन है? संविधान है। सुप्रीम कौन है? संविधान है। संविधान से बढ़ के ना कोई बंदा है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई सरकार है। तो सरकार कुछ भी करेगी वो संविधान के दायरे के अंदर करेगी। और सर ध्यान से सुनो, अगर ये रिपब्लिक वर्ड नहीं होता तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ये अपना मनमानी करती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या बोलती? सुप्रीम कौन है? सरकार है। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया कि रिपब्लिक होना क्यों इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई जेड पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आ जाती है और सरकार बना लेती है, और सरकार बनाने के बाद फिर से एक लॉ पारित करती है कि आज तक जो भी इलेक्शन होना था वो हो गया, आज के बाद जो इलेक्शन होगा वो 1020 साल के बाद होगा। इलेक्शन होगा, पक्का होगा, पर 1020 साल के बाद होगा इलेक्शन, और तब तक सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड पार्टी ही सत्ता में बनी रहेगी। सर रेगुलर इलेक्शन होना जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना दी कि अब जो है वो इलेक्शन जो है अब जो है वो इलेक्शन 1020 साल के बाद होगा, और तब तक एक्स वाई जेड पार्टी ही सत्ता में बनी रहेंगी। क्या ये डेमोक्रेसी पे खतरा है? क्या ये लोकतंत्र पे खतरा है? जी हाँ, खतरा है। इसीलिए ऐड किया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं सर, इसीलिए हमारे प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि सर सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? संविधान है। संविधान है। और ये जो कोशिश कर रहे हैं आप रेगुलर इलेक्शन को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या ये संवैधानिक है? नहीं, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट मींस व्हाट? आप ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता, रेगुलर इलेक्शन करवाना जरूरी है। और इस चीज को सुनिश्चित कौन कर रहा है? इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है ये वर्ड रिपब्लिक, जो कि डेमोक्रेसी के बाद लिखा गया है। क्या अब आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी वर्ड का क्या मतलब है? क्या आपको एक बात समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना सर। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, क्या ये कोई भी टाइप का लॉ बना सकती है? जो इसके मन में जो कानून आ जाए, इसके मन में जो कानून आ जाए, ये क्या वो ऐसा कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो इसको रेस्ट्रिक्ट करता है, वो इसको रोकता है, वो इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, वो इसको लिमिट करता है, लिमिट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सर? सुनना ध्यान से। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। क्या मतलब है इसका? कल भी बताया था आपने सर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल लो या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोल लो, ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या सर? लिमिटेड गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि वो हर चीज नहीं कर सकता जो उसको करने का मन है, क्योंकि संविधान उसको रोक रहा है, संविधान उसको लिमिट कर रहा है। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतना ही काम कर सकता है जितना संविधान उसको अलाउ करता है कि ये संवैधानिक है, ये चीज आप कर सकते हो। इस चीज को मैंने कल बताया था और आज ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि क्यों कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? क्या ये बात आपको समझ में आई? सर ऐसा पढ़ के जाओ कि नेक्स्ट बार प्रीएम्बल पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? तो
ये चीज आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। तो सोवेनिटी हो गया, सोवेरियन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ये तीन वर्ड समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट सर, आज के संविधान पे आते हैं हम लोग। आज का संविधान कैसा दिखता है? आज का संविधान दिखता है हमारा ऐसा। इसमें दो और वर्ड्स हैं सर, ये दो वर्ड्स कौन ऐड किया? इंदिरा गांधी मैडम ऐड की। कब ऐड की? 42वां संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया है इन दो वर्ड्स को सर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो वर्ड्स को ऐड किया गया। नाउ इन वर्ड्स को हम लोग ध्यान से कोशिश करेंगे समझने का। सबसे पहले समझेंगे हम लोग सोशलिस्ट वर्ड। सोशलिस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे सोशलिस्ट। सर सोशलिस्ट का हिंदी क्या होता है? सोशलिस्ट का हिंदी होता है समाजवाद, समाजवादी या फिर समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। सर समाजवाद के लिए कौन सा बंदा फेमस है, कोई बताएगा मुझे कि कौन सा ऐसा बंदा है जो जिसका समाजवाद में मतलब एक बहुत ही बड़ा थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कोई बताएगा क्या? किसी को कोई नॉलेज? लेनिन। हाँ लेनिन भाई साहब, लेकिन लेनिन मतलब ऐसा ऐसा थ्योरी जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस भी है और एक्सेप्टेबल भी है। मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे ये बेसिकली सोशलिस्ट का, सोशलिज्म या फिर समाजवाद के ऊपर थियरी देते हैं। और ये सोशलिज्म का जो थियरी है ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आज के वक्त थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस कम हो गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं 1950s का, 1950s, इस वक्त में अगर आप इस वक्त के दुनिया को देखो, इस वक्त के वर्ल्ड में देखो, तो सब जगह मार्क्सिज्म ही फैला हुआ था। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो कि क्लेम करती थी कि वो सोशलिस्ट कंट्री है, वो लोग किस किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे? सर मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को। सब कोई मार्क्सिज्म सोशल मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो करता था, सब कोई मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, ये कब की बात कर रहा हूं मैं सर, 1950s की। और हमारा संविधान कब लिखा गया? सर इसी टाइम फ्रेम के बीच में लिखा गया। अब सुनना ध्यान से कि ये सोशलिस्ट वर्ड हमारे संविधान में क्यों नहीं ऐड किया था भीमराव अंबेडकर साहब ने? ऐसा तो नहीं है कि भीमराव अंबेडकर साहब सोचे नहीं होंगे कि भारत एक समाजवादी देश है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है सर कि भारत में समाजवाद है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, मतलब वो इतने महान हस्ती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो भूल गए हैं समाजवाद वर्ड को लिखना। वो क्यों नहीं लिखे? रीजन है भाई इसके इसके खिलाफ, इसके इसके ऊपर रीजन है, ना ही लिखने का एक रीजन है। नेक्स्ट सर, उन्होंने समाजवादी वर्ड को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा प्रियम्बल में। इसका मतलब क्या, भारत एक समाजवादी देश नहीं है? जी हाँ है, लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सिज्म के समाजवाद से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता। कंप्लीटली भारत में मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं यूज किया जाता है। भारत एक कंप्लीट मार्क्सिज्म फॉलो करने वाला देश नहीं है। कार्ल मार्क्स ने जो डेफिनेशन दिया था सोशलिज्म का, समाजवाद का, वो कंप्लीट डेफिनेशन को भारत फॉलो नहीं करता। भारत का जो सोशलिज्म का अप्रोच है, जो डेफिनेशन है, वो अलग है पूरे दुनिया से। ठीक है, क्या है क्या नहीं है और अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आइए सर, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं मार्क्सिज्म समझने का, मार्क्सिस्ट अप्रोच समझने का। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कार्ल मार्क्स के थ्योरी को समझने का कि कार्ल मार्क्स 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 भैया क्या कहते थे। सुनना ध्यान से, इनका कहना था कि मार्क्सिज्म का मतलब, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। इनका इनका जो सोशलिस्ट का अप्रोच था, समाजवाद का अप्रोच था, वो ये कुछ ऐसा कहते थे। सुनना ध्यान से, ये कहते थे कि एक कंट्री अगर है, एक कंट्री है जिसका टोटल इनकम है 100, एक कंट्री है जिसका टोटल इनकम है 100, टोटल इनकम 100 रुपया है उसका टोटल इनकम, एक कंट्री जिसका टोटल इनकम है 100 रुपया, और उस कंट्री में मान लेते हैं कि 10 आदमी रहता है, तो ये जो 100 रुपया है ना वो कैसे डिवाइड होगा पता है? 10 रुपीज ईच,
₹10 ईच। इसका मतलब क्या कि सर मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है, मार्क्सिज्म ये कहता है कि जो भी रिसोर्स है, जो भी कंट्री का रिसोर्स है, जो भी कंट्री का रिसोर्स है उसको इक्वली बांटना चाहिए, उसको एकदम इक्वली बांटना चाहिए अमंग द सिटीजन्स, अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, ये कहते थे मार्क्स भैया। मार्क्स का जो सोशलिज्म का डेफिनेशन था वो कुछ ऐसा था कि मार्क्स ये चाहते थे, मार्क्स का डेफिनेशन समाजवाद का कुछ ऐसा था कि टोटल जो रिसोर्स है सर स्टेट का जो टोटल रिसोर्स है वो रिसोर्स इक्वली हर सिटीजन पे बटे, उस उन रिसोर्स का इक्वल हिस्सा हर सिटीजन को मिले। इससे फायदा क्या होगा सर, एक देश में कोई बहुत ज्यादा अमीर या फिर कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं होगा, इसका ये फायदा है। जैसे रशिया, रशिया आप देखते, अगर आपने कभी रशिया का फोटो वगैरह देखा होगा तो रशिया का जो घर है सर मैक्सिमम घर आपको एक जैसा दिखेगा। आज का रशिया नहीं, 1950s का रशिया देखना, आपको वहां के जो घर दिखेंगे वो लगेगा कि सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखेगा कि हर घर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया जो है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच को फॉलो करता है, रशिया जो है वो मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट का जो सोशलिज्म है उसको फॉलो करता है। और कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म या फिर समाजवाद क्या कहता है सर कि जो भी रिसोर्सेस हैं उसको इक्वली बांटो, इक्वली बांटो। मतलब सर, सर अगर किसी का घर ऐसा है तो दूसरा के भी घर ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, दोनों के बीच में कोई भी भिन्नता ना हो, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, सबको एक टाइप का सैलरी मिले, सबको एक टाइप का रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मिले। तो क्या आपको मार्क्सिस्ट अप्रोच समझ में आया कि मार्क्सिस्ट क्या बोलता है? सिंपल सी बात है सर, अगर घर में 1 किलो पनीर लाएंगे, छोड़ो पनीर हटाओ, अगर 1 किलो चिकन लाएंगे तो सबको चिकन का इक्वल हिस्सा मिलेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेग पीस नहीं मिलेगा। लेग पीस भी बांटना है तो उसको छोटे छोटा इक्वल हिस्सा में करके बांटो। क्या आपको समझ में आया मार्क्सिज्म अप्रोच, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का अप्रोच क्या है? क्या ये बात आपको समझ में आया कि मार्क्सिस्ट के द्वारा समाजवाद का क्या डेफिनेशन दिया गया, कि समाजवाद क्या होता है मार्क्सिस्ट के द्वारा? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि आगे और डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया कि मार्क्सिस्ट क्या कहते थे कि सोशलिज्म क्या होता है? सर बहुत बहुत इजी अप्रोच है, कुछ नहीं, कि जो भी रिसोर्स है उसको इक्वल हिस्सा में बांटो। मतलब अगर 12 टॉफी आया है घर में, 12 टॉफी आया है घर में, और आपके घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों को चार चार टॉफी दो, तीनों को चार चार टॉफी दो। समझ में आया आप लोग को? तीनों को चार चार टॉफी दो, बस इतना ही कहता है मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स बस इतना ही कहते हैं। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, भारत में हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हम बताएंगे अभी, जस्ट बताएंगे, थोड़ा देर, बस 5 मिनट का पेशेंस, मैं बताऊंगा क्यों नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ अलग टाइप का सोशलिज्म फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अंदर से आ रहा है ना, बताओ जल्दी जल्दी बताओ बताओ, मना एक थप्पड़ मार देंगे, रुक जाओ, बताएंगे, मैं बताऊंगा मैं। अब सुनना ध्यान से, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था सर 1950 के लमसम, 1950 के आसपास, 1949 के आसपास, उस वक्त पूरे दुनिया में कौन सा सोशलिज्म फेमस था? सर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। अब एक बात बताओ, अगर भारत अपने प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को लिख देता तो पूरे दुनिया को क्या लगता, भारत किस सोशलिज्म को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता? क्यों? क्योंकि भारत का मानना है कि हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच को नहीं मानते हैं, हम लोग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ये सोशलिस्ट वर्ड हम अपने प्रियम्बल में लिख देते हैं तो पूरे दुनिया में सर सबको सोचेगा कि मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहा है। क्या ये गलत बात नहीं? सर अगर आप अपने घर में कोई आपको फोन कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो आप कुछ भी, आप यिप्पी खा रहे हो, आप पतंजलि का नूडल्स खा रहे हो, या आप चाउमीन खा रहे हो, आप क्या बोलते हैं? हम मैगी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैगी ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मैं नूडल्स खा रहा हूं। ऐसा ही था मार्क्सिज्म। अगर आप उस वक्त के दुनिया में खड़ा होकर बोलते ना कि हाँ हम सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा दुनिया समझता कि आप मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता था, भारत एकदम अपने में क्लियर था कि हमको मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो नहीं करना है। और
अगर वो सोशलिस्ट वर्ल्ड को अपने प्रियम्बल में, अपने प्रस्तावना में लिख देगा, तो दुनिया को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा कि भारत जो है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो करने का कोशिश कर रहा है। और इससे क्या होगा, इससे एक अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा और भारत को हर जगह जाके अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक जवाब देना पड़ेगा कि भैया हम लोग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते, हम लोग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते। हर जगह भारत को जाके बताना पड़ेगा कि देखो ऐसा नहीं, हम लोग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते। इसीलिए एक अननेसेसरी कंफ्यूजन जो क्रिएट ना हो जाए, इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रियम्बल में ऐड नहीं किया था। क्या आपको ये बात समझ में आया कि क्यों नहीं ऐड किया गया था? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सर भारत में अगर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं होता है, अगर भारत में अगर मार्क्स, काल मार्क्स का सोशलिज्म समाजवाद को नहीं पढ़ा जाता है, नहीं अप्लाई किया जाता है, तो कौन सा सोशलिज्म पढ़ा जाता है? सुनना ध्यान से, भारत में क्या सोशलिज्म है? जी हाँ बिल्कुल है। भारत में जो सोशलिज्म है, भारत का जो समाजवाद का जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग भारत में गांधियन सोशलिज्म फॉलो करते हैं। भारत में गांधियन सोशलिज्म फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज गांधियन सोशलिज्म? गांधी का समाजवाद क्या है? सुनना ध्यान से, गांधी गांधी जी का समाजवाद कैसे डिफरेंट है? अच्छा एक बात बताओ, इस चीज को हम लोग वैसे समझ सकते हैं, मुकेश अंबानी सर भारत के सबसे रिचेस्ट मैन, मुकेश अंबानी, क्या आप लोग में से कोई मुकेश अंबानी बन सकते हैं? अगर स्टेट आपको हेल्प करे तो क्या आप लोग में से मुकेश अंबानी बन सकता है? हाँ सर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टेट को हेल्प करना पड़ेगा। जो हमारा राष्ट्र है भारत जो है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को आपको हेल्प करना पड़ेगा। सर गांधियन अप्रोच कुछ ऐसा ही कहता है। सर गांधियन सोशलिज्म का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में मेहनत है, अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप में डिसिप्लिन है और अगर चाहते हैं आप लाइफ में कुछ अच्छा करना, आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो स्टेट आपको हर वो चीज प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने लाइफ को अपडेट कर सकें। स्टेट आपको हर वो चीज प्रोवाइड करेगा, हर वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा कि आप अपने बेटर सेल्फ को बना सकें, आप अपना एक अपडेटेड वर्जन बना सकें, अगर आपको वो चाहत है तो, अगर आप में प्रतिभा है तो। ठीक है, अगर आप में प्रतिभा है तो स्टेट आपको हर वो चीज प्रोवाइड करेगा कि आप अपना एक बेटर सेल्फ बनाओ। हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, यहाँ पे रिसोर्सेस का इक्वल डिवीजन नहीं होता है सर। अगर 100 रुपया स्टेट के पास है तो, और 10 इंसान है, 10 सिटीजन है भारत में, तो सबको 10-10 रुपया नहीं मिलेगा। स्टेट क्या करेगा, स्टेट उस इंसान को ज्यादा प्रोत्साहन देगा जिसके पास जील है, जिसको करना है लाइफ में कुछ अच्छा, वो उस बंदे को स्टेट बहुत ज्यादा अब हेल्प करेगा सर। उसको हर वो चीज, हर वो रिसोर्स उपलब्ध करवाने का कोशिश करेगा जिससे वो अपना लाइफ का एक बेटर वर्जन बना सके, वो अपने लाइफ को अपडेट कर सके। और यहाँ पे होता है सर, ये डिफरेंस है सर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधियन सोशलिज्म में। फॉर एग्जाम्पल सर, जो SC ST है, ठीक है, या फिर OBC है, झारखंड में ही देखो एक ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलता है। आप लोगों में से कोई लेता है ई कल्याण? कोई है जो ई कल्याण का नाम, मतलब पहली बार सुन रहे हैं क्या? ई कल्याण लेते हैं आप लोग? नहीं लेते हैं ई कल्याण? हाँ जी, तो आप लोग में से बहुत किसी ने लिया होगा या फिर लेते होंगे या फिर सुना होगा आप लोगों ने। सर ई कल्याण क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है, इसलिए मिलता है, आप नहीं एलिजिबल होंगी सर, इसलिए मिलता है ई कल्याण क्योंकि जो जो
वैसे जो कास्ट हैं, वैसे जो लोग हैं जो फाइनेंशियली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वीक हैं सर, वो माइनॉरिटीज में आते हैं, ठीक है, उनका जो समाज है, उनके समाज में उनका उतना ज्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम है सर, इनकम का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन चीजों की वजह से सरकार खुद उन्हें हेल्प करती है, खुद पैसा देती है कि देखो तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तो हम आके तुमको पैसा दे रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं, ताकि तुम अपना लाइफ का एक बेटर वर्जन बनाओ, एक बेटर वर्जन बनाओ। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में गांधियन सोशलिज्म है। और एक बात बताना, ई कल्याण क्या उन लोगों को मिलता है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं? नहीं सर, ई कल्याण उन लोगों को मिलता है जो कि कॉलेज जाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को मिलता है। इसका मतलब क्या सर? अगर आप चाहोगे तो स्टेट आपको हर वो रिसोर्स प्रोवाइड करके देगा कि आप अपने लाइफ का बेटर वर्जन बना सको, आप अपने गोल तक पहुंच सको। सर अगर आपको मुकेश अंबानी बनना है तो स्टेट आपको हर वो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा कि आप मुकेश अंबानी बन सको फ्यूचर में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन सोशलिज्म और गांधियन सोशलिज्म। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, इसलिए अब देखो मार्क्सिस्ट अप्रोच में और भारत का जो समाजवाद है, भारत का जो गांधियन अप्रोच है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो ये फर्क बनाए रखने के लिए और एक अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो किसी के माइंड में, उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे जो भीमराव अम्बेडकर साहब है, उन्होंने प्रियम्बल में ऐड नहीं किया था इसे। क्या आपको ये बात समझ में आता है? किस लिए नहीं किया था? ठीक है, किस लिए नहीं किया था? ठीक है, मतलब सर भारत में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इंडियन इंडियन सोशलिज्म या फिर गांधियन सोशलिज्म का मतलब यह है कि भारत में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपने लाइफ में कुछ कर जाओ। भारत में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। गांधियन सोशलिज्म का मतलब होता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मुझे इक्वल मिल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम लोग दोनों चाहते हैं कि हम लोग मुकेश अंबानी बने। हम लोग दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल रिसोर्सेस मिलेगा और बोला जाएगा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में वो जील है, अगर तुम्हारे वो डिसिप्लिन है, तो तुम मुकेश अंबानी बन के दिखाओ। भारत का सोशलिज्म ये कहता है, भारत का सोशलिज्म ये कहता है कि आपको इक्वल स्टेटस मिलेगा, इक्वल स्टेटस मिलेगा। स्टेटस का मतलब सर, आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, आप ओबीसी से हो या फिर आप जनरल से हो, आप सबको एक जगह रह के पढ़ने का मौका मिलेगा, एक जगह आपको एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई यहां पे क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा सर, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस मिलेगा आपको। भारत का जो सोशलिज्म है वो ये कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको इक्वल रिसोर्सेस मिलेगा, इक्वल रिसोर्सेस मिलेगा कि देखो ये रिसोर्सेस हैं आपको और आप जाके कुछ कर जाओ लाइफ में, ठीक है, इक्वल रिसोर्सेस मिलेगा। अब किसी ने बोला कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमको उसके लिए पैसा मिलता है। सर देखो, आप माइनॉरिटी हो, आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी को ज्यादा प्रोत्साहन का जरूरत है, माइनॉरिटी को ज्यादा रिसोर्सेस का जरूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें अपने अपने फंड से स्कॉलरशिप देता है। क्यों देता है? क्योंकि गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, सबको इक्वल स्टेटस देना चाहता है, और यही तो डेफिनेशन है सर हमारे सोशलिज्म का, हमारे गांधियन सोशलिज्म का, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म अलग है और गांधियन सोशलिज्म अलग है। भारत में हम लोग गांधियन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमने एक्सप्लिसिटली हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं ऐड किया था सर, जब हमारा संविधान हम लोग फ्रेम कर रहे थे। लेकिन सोशलिस्ट वर्ड को कब ऐड किया गया? सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। क्लियर, डन, सबको समझ में आया? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया?
चलो आ गया। अच्छा एक बात बताओ सर, 40 आप बार बार बोल रहे हो एक चीज, क्या बोल रहा हूँ सर बार बार एक चीज। सर ये जो वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड या फिर समाजवाद वर्ड, समाजवाद वर्ड, इसको 42वें संशोधन से ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या सर, 42वें संशोधन या फिर 1976 के पहले भारत में समाजवाद नहीं था, ये भी तो सोचने वाली बात है। समझ पा रहे सर, ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं था 1976 के पहले, नहीं था। मतलब क्या भारत में समाजवाद नहीं है? हमारे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस वर्ड को लिखा ही नहीं था, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस वर्ड को लिखा ही नहीं था, और इस वर्ड को भी नहीं लिखा था। मतलब सर इसके पहले क्या भारत में समाजवाद था ही नहीं? क्या भारत में भारत समाजवादी नहीं था? ऐसा नहीं है सर, कुछ चीजें ना एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी जाती है, कुछ चीजें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी जाती है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, सुनना ध्यान से सर। अगर मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा है तो मेरा और उसका डीएनए सेम होगा ही, एक्सप्लिसिटली लिखने का जरूरत नहीं है कि उसका डीएनए और मेरा डीएनए सेम होगा। अगर वो मेरा बेटा है तो उसका डीएनए और मेरा डीएनए इम्प्लिसिटली समझ, मतलब समझ में आ रहा है, खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि उसका डीएनए और मेरा डीएनए सेम होगा। उसको एक्सप्लिसिटली बाह्य तौर पर लिखने का जरूरत नहीं है, ये फलना जो लड़का है ये इसका बेटा है, और बेटा है और फिर भी इसका डीएनए दोनों का मैच कर रहा है। नहीं भैया, मेरा बेटा है इसीलिए उसका डीएनए हमेशा मैच करेगा ही, करेगा ही, उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। क्या कहने का चाहते हैं आप सर? ये भले इस सोशलिस्ट वर्ड को, भले इस सोशलिस्ट वर्ड को हमारे संविधान के प्रियम्बल में स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उस वक्त समाजवाद नहीं था, भारत में समाजवादी समाजवाद नहीं था। सर भले उसको एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया हो, लेकिन इम्प्लिसिटली आंतरिक तौर पर भारत समाजवाद था, और इसका प्रॉपर प्रूफ है हमारे प्रियम्बल में ही। सर कहां पर है सर प्रूफ, ध्यान से देखना सर। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, देख रहे हो सर? भले ये सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और सर गांधियन सोशलिज्म यही तो है, अभी जस्ट बताया कि सर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस देता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाओ, आप अपने लाइफ में जो चाहते हो आप वो करो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दिख रहा है क्या मतलब सर? सोशलिस्ट वर्ड लिखना ना लिखना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इम्प्लिसिटली आंतरिक तौर पे सर प्रियम्बल में सोशलिज्म लिखा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि सर 1976 के पहले भी भारत में समाजवाद था, और उसका प्रूफ कहाँ लिखा हुआ है? उसका प्रूफ यहाँ पे है कि लिखा हुआ है सर हमारे प्रियम्बल में, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर का समता। क्या आपको ये बात समझ में आया, क्या आपको ये बात समझ में आया कि 1976 के पहले भी भारत में समाजवाद था सर, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर क्या जरूरत था सोशलिज्म वर्ड ऐड करने का या फिर सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने का? इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल एजेंडा, इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, सिर्फ पॉलिटिक्स था सर, कुछ नहीं था। लोगों को बस दिखाना था कि देखो हम भारत में सोशलिज्म लेके आ रहे हैं, और भारत के लोग सर इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं है, जो नेता बोलेंगे वो वही सुनेंगे, उनका अपना तो दिमाग है नहीं, इसीलिए उस कैटेगरी को सर अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ देखो हम लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, हम लोग समाजवादी देश बना रहे हैं, इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया था, और सेक्युलर वर्ड को भी इसलिए ऐड किया गया था, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है सर। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि एडिशन ऑफ या फिर एडिंग अप ऑफ सोशलिस्ट वर्ड इन दी प्रियम्बल हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, समाजवादी वर्ड को हमारे प्रियम्बल में ऐड करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है सर, वो संवैधानिक, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, उससे कुछ संविधान में इंपॉर्टेंस बढ़ जा रहा है, उसका संवैधानिक सिग्निफिकेंस है, तो ऐसा है क्या? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
आप वहां पे सोशलिस्ट वर्ड लिखो ना लिखो बराबर है। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिटली यहां पे लिखा हुआ है, आंतरिक तौर पे वहां पे लिखा हुआ है सर, बाह्य तौर पे लिखने का जरूरत ही नहीं था, बस एक पॉलिटिकल हवा बनाने के लिए उसको लिखा गया। ठीक है, क्या ये सोशलिस्ट वर्ड समझ में आया आप लोगों को? सोशलिस्ट वर्ड समझ में आया? हाँ जी, चलो गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर, सेक्युलरिज्म। ठीक है, मैं इस पर्दे को हटा देता हूं, पर्दा हट जाओ। तो देखो सोशलिस्ट का पर्दा हट गया, ठीक है, अब हम लोग हटाएंगे सेक्युलरिज्म का पर्दा। सर सिमिलर चीज, इसको भी कब ऐड किया गया था? 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे, मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया को दो ही याद रखता है, आपको तीन याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जो है ये 42वां संशोधन से ऐड किया गया था। हमारा प्रीएम्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है अभी तक, ये कल के क्लास का स्टोरी है। अब हम लोग सेक्युलर वर्ड को समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सेक्युलर वर्ड को। ठीक है, चलो सेक्युलरिज्म देखते हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है, हिंदी में इसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं या फिर धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है ना सर, सेक्युलर वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया हमारे संविधान में, मतलब प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड क्या क्या हो जाता? अच्छा तो बात है ना, लिख देना चाहिए था, कंफ्यूजन नहीं होता। और फिर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1976 के पहले, 1976 के बाद ही क्या भारत सेक्युलर हुआ, पंथ निरपेक्ष हुआ, उससे पहले क्या नहीं था? ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा माइंड में, दो क्वेश्चन आ रहे होंगे सर, लिखा क्यों नहीं गया उस वक्त, और क्या 1976 में जब इसको लिखा गया उसके बाद ही क्या भारत में सेक्युलरिटी या सेक्युलरिज्म आया, पंथ निरपेक्षता आई? ये दो क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड में, आना भी चाहिए। अब सुनना ध्यान से, कहां गया कर सर, अब सुनना ध्यान से, वक्त है 1950 का, वाओ, इस वक्त पूरे दुनिया में वेस्टर्न सेक्युलरिज्म फैला हुआ था, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म फैला हुआ था, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता पूरा फैला हुआ था। मतलब अगर कोई कंट्री बोल रहा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हम मैं बताऊंगा अभी, तो घबराना नहीं है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, थोड़ी देर में बताऊंगा, बस दो मिनट, घबराना नहीं है। ठीक है सर, 1950 का अगर टाइम पीरियड देखो तो उस टाइम पीरियड में वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का हवा बना हुआ था। मतलब अगर कोई कंट्री बोल रहा है कि मैं सेक्युलर कंट्री हूं, इसका मतलब क्या, वो कंट्री वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहा है। अपने आप सब समझ जाता था कि मैं मैगी खा रहा हूं, इसका मतलब क्या सर, आप नूडल खा ही रहे हैं, सब समझ जाएगा। वैसे ही था सर सेक्युलरिज्म, कोई भी कंट्री अगर क्लेम करता था कि मैं सेक्युलर कंट्री हूं, दैट मींस व्हाट, वो कंट्री वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहा है, सब अपने आप समझ जाता था इस चीज को। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा फेमस था सर पश्चिमी सेक्युलरिज्म, इतना ज्यादा फेमस था ना, व्हाट इज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। और एक चीज, भारत जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करता है, भारत जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करता है। और अब एक बात बताओ, अगर सेक्युलर वर्ड को लिख दिया जाता हमारे प्रीएम्बल में, तो एक अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता पूरे दुनिया में कि अरे भारत अगर सेक्युलर लिख रहा है, दैट मींस व्हाट, भारत जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहा है। लेकिन भारत ने एकदम क्लियर अपना सोच क्लियर रखा है कि भैया हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं करते हैं, एक अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता सर पूरे दुनिया में, और भारत को हर जगह जाके अपने आप को डिफाइन करना पड़ता कि देखो हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, हमारा सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन है वो अलग है, एक अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता, इसलिए वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को नहीं, आई मीन सेक्युलर वर्ड को नहीं लिखा गया हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, सुनना ध्यान से, पश्चिमी सेक्युलरिज्म या फिर पश्चिमी पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से सर, पश्चिम में अगर आप देखेंगे ना तो दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, वेस्टर्न वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, एक है किंग, राजा, और एक है रिलीजन, या फिर वेस्टर्न में अगर आप देखेंगे तो रिलीजन को चर्च भी कहते हैं हम लोग, आई मीन चर्च,
चर्च, जो चर्च है, चर्च, सुनना ध्यान से। वेस्टर्न सेकुलरिज्म यह बोलता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म यह बोलता है कि देखो किंग जो है वो रिलीजन के मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता। किंग जो है, राजा जो है, वो रिलीजन के मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक दीवार है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है। क्या कहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं आप, सुनना ध्यान से। सर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि किंग जो है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजन के मामले में, राजा जो है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है धर्म के मामले में, और धर्म कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में। दोनों के बीच में दीवार बना हुआ है, और पढ़े लिखे हुए लोग इसी को बोलते हैं डाइकोटमी। अगर आप लोग में से कभी भी किसी ने पबेड पढ़ा होगा तो पता होगा डाइकोटमी वर्ड सुना होगा, कोई है ऐसा पबेड ग्रेजुएट यहाँ पे, सुनना ध्यान से। सर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा था कि किंग जो है, राजा जो है, राजा का मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहा है, सरकार बोल लो, राजा बोल लो, या फिर कोई भी अदर बॉडी जो कि उस देश में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, सर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किंग कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है रिलीजन के मामले में, कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजन के मामले में। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में दीवार बना हुआ है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। स्टेट जो है सर, किंग, किंग क्या है, एक स्टेट है। स्टेट का मतलब बस इतना समझो, स्टेट उसको कहते हैं हम लोग जो कि पावरफुल बॉडी होता है, पावरफुल अथॉरिटी को हम लोग स्टेट कहते हैं। सर स्टेट जो है वो रिलीजन के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, रिलीजन कुछ भी करे। सर रिलीजन के नाम पे आप किसी को सूली में भी टांग दो, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब सर स्टेट, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि स्टेट एंड रिलीजन, धर्म और स्टेट के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन है। क्या ये बात समझ में आता है? जी हाँ, क्या ये बात समझ में आता है आप लोग को? तो यही था सर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, दिस इज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। क्या आपको समझ में आया वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है? जी हाँ, आप लोग हैं कि चले गए? हेलो, बाद में बात कीजिएगा उनसे, इधर इधर। हेलो, क्या आप लोगों को वेस्टर्न सेक्युलरिज्म समझ में आया? क्या आप लोगों को वेस्टर्न सेक्युलरिज्म समझ? हाँ जी, कुछ नहीं था, हवा था। ठीक है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब कुछ नहीं होता सर, बस इतना ही है कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता धर्म के नाम पे, धर्म का जो भी अफेयर है उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता स्टेट। ठीक है, बस इतना ही था। नेक्स्ट सर, क्या भारत में ऐसा अप्रोच है, क्या भारत में ऐसा होता है? नो भारत में, भारत में, भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में ऐसा नहीं होता है। सर भारत का अपना डेफिनेशन, इंडिया का अपना डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, इंडिया का अपना डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म का अपना डेफिनेशन है। सुना ध्यान से, इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या डेफिनेशन है? ठीक है सर, चलो सुनाते हैं हम लोग। सर इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या डेफिनेशन है, ये एक बहुत अच्छा स्टोरी से समझ सकते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से। क्या हो रहा था कि एक दिन मैं आराम से बैठा हुआ हूँ चेयर में, मान लेते हैं ये है मेरा घर, ये मेरा घर है सर, ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और मतलब ये मेरा घर का बाउंड्री है। ठीक है, और मैं यहाँ पे मस्त अपना चेयर में बैठ के, चेयर में बैठ के मस्त अपना मैं चाय पी रहा हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे इस जगह पे मेरे जस्ट बगल में मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, इस कलर के जो है ये मेरे बच्चे हैं, और इस कलर के जो हैं ये पड़ोसी के बच्चे हैं।
ये लोग सब खेल रहे थे, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे थे, लेट इट बी फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अब मैं आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आराम से, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ आराम से, देख रहा हूँ कि अच्छा 100 रुपया दोस्त उधारी लिया था और उधारी ना वापस लेने पे उसका किडनैप कर लिया दोस्त, मतलब ऐसा ऐसा न्यूज आ रहा था, मैं पढ़ रहा था आराम से, ठीक है। और मैं इधर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, मैं इधर उतना ध्यान नहीं दे रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं क्यों नहीं ध्यान दे रहा था, क्योंकि सब कुछ पीसफुल था, सब कुछ पीसफुल था सर, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा था, सब शांतिपूर्वक खेल रहा था, हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि आवाज होने लगा, किस चीज का आवाज, सर ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, सर ये इसको मार रहा है, 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 मतलब सर इन लोगों का झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, अचानक से झगड़ा होना स्टार्ट हो गया इन बच्चों का। मैंने तुरंत उठा, मैंने देखा कि झगड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पे आया और सबको लाइन में खड़ा होकर सबको मारा, दो दो थाप, सबको मैंने मारा, दो दो थाप सबको मैंने, बहुत मारा, बहुत मारा सबको मैंने। सर क्यों मारा, क्योंकि पीस जो है वो खत्म हो गया था, शांति जो है वो खत्म हो गया था, ये लोग वायलेंट हो गए थे, ये लोग झगड़ा कर रहे थे, ये लोग फाइट कर रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा, इसीलिए मुझे आना पड़ा। कहना क्या चाहते हैं सर, सर जब तक शांति था तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, कोई मुझे कोई लेना देना नहीं है, बच्चे हैं खेल रहे हैं क्या खेलने दो, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इन सबके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो गया सर, अशांति स्टार्ट हो गया, मैं तुरंत आया देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि तुम लोग फाइट क्यों कर रहा है, और जो जो फाइटिंग में इन्वॉल्व था सबको मैंने पनिश भी किया। सर सर ये बच्चे कौन है, ये बच्चे हैं रिलीजन, और मैं कौन हूं, मैं हूं स्टेट। सर इंडिया का जो डेफिनेशन है सेकुलरिज्म का वो कुछ ऐसा ही है, स्टेट जो है वो तब तक कुछ भी नहीं कहेगा, तब तक कुछ भी नहीं कहेगा जब तक आप शांतिपूर्वक हैं, आप शांतिपूर्वक अपना रिलीजन का जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं, कोई स्टेट कुछ नहीं बोलेगा, स्टेट बोलेगा नहीं हम तो हम ही नहीं, देखो हम बैठे हुए हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मेरे को लेना देना नहीं है तुमसे। लेकिन जैसे ही आप लोग आपस में मार करना स्टार्ट कर दें धर्म के नाम में, जैसे ही क्लैशेस स्टार्ट हो जाए धर्म के नाम पे, तुरंत स्टेट एक्टिवेट हो जाता है और स्टेट तुरंत आ जाता है, कूद जाता है रिलीजन के मैटर्स में और बोलता है कि देखो अब सबको मैं पनिश करूंगा। सर स्टेट आराम से बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं था जब सब कुछ शांति चल रहा था। इसका मतलब क्या, स्टेट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता? नहीं, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन के मैटर में, परंतु वो कर नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्वक है, और स्टेट इंटरफेयर करेगा जब कहीं पे कोई क्लैश स्टार्ट हो जा रहा है। अब अपने वेस्टर्न डेफिनेशन को समझो, वेस्टर्न डेफिनेशन साफ बोल देता था कि सर स्टेट या फिर किंग और रिलीजन के बीच में दीवार है, स्टेट कभी भी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता धर्म के मामलों में, धर्म के अफेयर्स में। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? नहीं, भारत में ऐसा नहीं है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन के मैटर में, वो कर नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ पीसफुल है, और जिस दिन पीस खत्म होगा, जिस दिन फाइटिंग स्टार्ट होगी, जिस दिन क्लैशेस स्टार्ट होंगे धर्म के नाम पे, स्टेट तुरंत आएगा और सबको चेक करेगा कि कौन कौन यहाँ पे गलत कर रहा है, कौन कौन गुनाह कर रहा है। सर पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं वॉचफुल एम्बीवेलेंट, वॉचफुल एम्बीवेलेंट। क्या है सर इसका मतलब, वॉचफुल एम्बीवेलेंट का मतलब यह होता है कि सर वैसा ये एक एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है किसी बंदे का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का या फिर किसी चीज का, ये एक प्रॉपर्टी है कि वो बंदा वॉचफुल एम्बिवेलेंट है। इसका मतलब क्या, वो बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है, और सब कुछ देख रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, आराम से वो बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पीस बना हुआ है, शांति है, लेकिन जैसे ही शांति भंग होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और सबको पनिश करेगा। भारत में जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो वॉचफुल एम्बिवेलेंट का डेफिनेशन है। भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो वॉचफुल एम्बिवेलेंट नेचर का है। दैट मींस व्हाट सर, कि जब तक पीस है, जब तक शांति है,
स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन, बट स्टेट विल इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन व्हेन देयर इज क्लैशेस, व्हेन देयर इज क्लैशेस। सर एक और चीज, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा रिलीजन के मामले में, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट कर नहीं सकता, वो नहीं कर रहा क्योंकि सब शांति बना हुआ है। जिस दिन शांति भंग होगा उस दिन स्टेट पकड़ेगा सबको, जेल लेके जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? जी हाँ, क्या आपको एक डिफरेंस दिख रहा है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म के बीच में? क्या भारत में वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कोई भी जरिया दिख रहा है? सर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है ही नहीं यहाँ पे। इंडिया हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म, भारत में अपना डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, ठीक है, समझ में आया सर? तो ये है इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वॉचफुल एम्बिवेलेंट का नेचर है, ठीक है। स्टेट जो है, मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म अगर सिंपल से कोई पूछे तो इंडियन सेक्युलरिज्म बस इतना ही है दैट स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन बट इट इज नॉट इंटरफेयरिंग बिकॉज एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग इज पीसफुल। इट विल और रादर देन वी कैन से इट कैन इंटरफेयर और इट विल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन व्हेन देयर इज क्लैश, जब वहां पे क्लैशेस होगा सर, जब वहां पे फाइट होगा, स्टेट विल इंटरफेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। स्टेट उस वक्त इंटरफेयर जरूर करेगा, ठीक है सर, स्टेट उस वक्त इंटरफेयर जरूर करेगा, जरूर से जरूर करेगा, ठीक है, समझ में आया? ये हो गया एक धुंधला डेफिनेशन इंडियन सेक्युलरिज्म का। नेक्स्ट, एक और चीज कहा जाता है इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में कि यह है स्टेट, यह स्टेट, स्टेट जो है सर ये रिलीजन वन, ये रिलीजन टू, ये रिलीजन थ्री, ये रिलीजन फोर, ये रिलीजन फाइव, ये छठा धर्म और ये सातवां धर्म। सर स्टेट जो है, स्टेट जो है वो हर धर्म से इक्वी डिस्टेंट है, वो हर धर्म से इक्वी डिस्टेंट है, वो हर धर्म से इक्वल दूरी में है, वो किसी के पक्ष में नहीं है और किसी के विपक्ष में नहीं है, हर धर्म के वो इक्वी डिस्टेंस में है। मतलब स्टेट का अपना फेवरेट धर्म कोई नहीं है, उसके उसके आंख के अंदर, आई मीन उसके नजरिए में, उसके नजरिए में हर धर्म इक्वल है, हर धर्म इक्वल है। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। क्या ये आपको समझ में आया सर? इसीलिए अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखो, इसीलिए सर सबरीमाला केस होता है सर। जब तक केस नहीं था, जब तक क्लैशेस नहीं था, तब तक स्टेट बैठा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे क्लासेस स्टार्ट हुआ, स्टेट कूद पड़ा कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हो। सर कहीं पे भी दंगा फसाद होता है, जब तक दंगा नहीं हो रहा आप आराम से निकालो, जुलूस निकालना है, जो निकालना है निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे क्लासेस स्टार्ट हुआ, स्टेट वहां पे आ गया, स्टेट को आप मना नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द वाइडर डेफिनेशन और दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। एंड इट इज फार डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बहुत ज्यादा डिफरेंट है सर। इसीलिए अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए पूरे वर्ल्ड के माइंड में, और पूरे वर्ल्ड को जाके समझाना पड़े कि देखो हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नहीं है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को, आई मीन सेक्युलर वर्ड को हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा था 1950s में। क्या आपको ये बात समझ में आया कि क्यों नहीं लिखा था? जी हाँ, ठीक है, चलो सर एक और क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया अभी अभी तक आपने। क्या था वो क्वेश्चन सर? अगर ये वर्ड को 1976 में ऐड किया गया, अगर सेक्युलर वर्ड को 1976 में ऐड किया गया, क्या इसके पहले भारत सेक्युलर नहीं था? क्या इसके पहले भारत में सेक्युलरिज्म नहीं था? ठीक है, क्या प्रूफ है कि भारत में सेक्युलरिज्म था? तो सुनना ध्यान से, सेक्युलर का मतलब क्या होता है?
कि स्टेट जो है वो इक्विडिस्टेंट है, वो स्टेट जो है वो हर धर्म से इक्वल दूरी मेंटेन कर रहा है, किसी के पक्ष में नहीं है और किसी के विपक्ष में नहीं है। मतलब स्टेट कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है, आपको जो सोचना है, आपको जिस धर्म को सोचना है आप उस धर्म को सोच सकते हो, आपको जिस धर्म को फॉलो करना है आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हो, सर आपको जिस धर्म में बिलीफ रखना है आप उस धर्म में बिलीफ रख सकते हो, सर आपको जिस धर्म में फेथ रखना है आप उस धर्म में फेथ रख सकते हो, सर आपको जैसा लगे, आपको लगे कि भगवान का पूजा करना है आप कर सकते हो, आपको लगे कि भगवान का पूजा नहीं करना है आप नहीं कर सकते हो, आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको लगता है कि भगवान जो है वो मंदिर में पाए जाते हैं आप मंदिर जाओ, भगवान जो है वो गिरजाघर में पाया जाता है आप गिरजाघर जाओ, भगवान जो है वो मस्जिद में पाया जाता है आप मस्जिद जाओ, किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट आपको इस चीज का लिबर्टी दे रहा है क्या? गवर्नमेंट आपको इस चीज का लिबर्टी दे रहा है क्या? जी हाँ, इस चीज का आपको स्वतंत्रता दे रहा है गवर्नमेंट कि आपको जो धर्म को फॉलो करना है, जो करना है, जैसे आपको बिलीफ को फॉलो करना है, जैसे पूजा करना है, जिस तरीके से पूजा करना है आप उस तरीके का पूजा करो, इस चीज का आपको लिबर्टी है, आपको स्वतंत्रता है। सेक्युलरिज्म का मतलब तो यही होता है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे प्रियम्बल को तो एक चीज दिखेगा आपको, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सर ये चीजें तो पहले से लिखी हुई है हमारे संविधान में, ये चीजें तो पहले से लिखी हुई है। मतलब सेक्युलरिज्म या फिर सेक्युलर ये हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में इम्प्लिसिटली है, आंतरिक तौर पे है सर, इसको बाह्य तौर पे लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। फिर से सेक्युलर वर्ड को क्यों लिखा गया? बस भाई पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए कि देखो हम लोग भारत को सेक्युलर देश बना रहे हैं। कैसा था? नहीं था। क्यों? क्योंकि सर सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये दोनों हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो एडिशन ऑफ द वर्ड ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डजंट मेक एनी एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस का नहीं है ये। क्या आपको ये बात समझ में आया? मतलब सर ये इस लाइन को अगर आज के बाद अब आप लोग कभी देखेंगे इस लाइन को, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, तो आपको माइंड में आएगा सर ये इम्प्लिसिटली किसको बता रहा है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म है। और अगर आप इस वर्ड को देखेंगे, इस सेंटेंस को देखेंगे, तो आपके माइंड में कभी ना कभी ये बात जरूर आएगा कि सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये भारत में इंटरनली इम्प्लिसिटली बता रहा है कि भारत का सोशलिज्म कैसा है। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या मैं ये चीज को समझा पाया? क्या मैं ये चीज समझा पाया? ठीक है सर, आई नो इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। अरे गजब के थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो क्या आपको, मैं मुझे पता है कि इस टाइम पे, जी हाँ आप करना क्लास के बाद, मुझसे बात कर लेना। आपको आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है सर इस चीज को खत्म करने में, बिल्कुल लग रहा है, मैं भी मानता हूँ लग रहा है, ठीक है, परंतु एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सर हमारा सोर्स ऑफ पावर कंप्लीट हो गया, भारत का नेचर, भारत की प्रकृति कैसी है, अब देखो ना सोवेरिनिटी, सर ये क्या बता रहा है भारत का? भैया अमेंडेबिलिटी वो केसेस पे बाद में बात करेंगे हम लोग, कल कल भी मैंने बात किया था, रुक जाओ सर। सोवेरियन, सोवेरियन या फिर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन वर्ड्स को अगर आप देखो तो ये कुछ नहीं है सर, ये भारत का प्रकृति बता रहा है कि भारत किस टाइप का देश है, किस टाइप का देश है ये बता रहा है, भारत का नेचर बता रहा है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि सर ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इट्स टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द इंडिया, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडिया, भारत कैसा कंट्री है, भारत कैसा प्रकृति वाला कंट्री है, उस चीज को ये बता रहा है। और ये चीज बता रहा है किसने ये पावर दिया कि आप संविधान लिखोगे। कल हम लोग मिलेंगे, आई मीन कल नहीं, कल छुट्टी रहेगी, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, परसों जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन चार वर्ड्स का मतलब क्या है, और ये तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो इन सब वर्ड्स को साथ में पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है? जी हाँ।
धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, वरना जा सकते हैं।